हेलो व्हाट्सअप गाइस, स्नूजी हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर सपोर्ट गाइस। मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हुआ जब मुझे इतना रिस्पांस आया। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि एनिमेस कमेंट्री और AMV से रिलेटेड अच्छे कंटेंट लाऊं। और अभी हमारी 62 सब्सक्राइबर वाली कम्युनिटी हो गई है, तो मैं चाहता हूँ कि मुझसे इंटरेक्ट करो। जो भी तुम्हारे थियरीज रहेंगे एनिमे से रिलेटेड, तुम लोगों के व्यूज़ मुझसे शेयर करो। मुझे सही लगा तो मैं उन्हें वीडियो में ज़रूर डालूँगा। मेरे लिंक्स तुम कवर पेज के राइट कॉर्नर में देख सकते हो, या फिर मुझे इंस्टाग्राम कर सकते हो, DM कर सकते हो, इंटरेक्ट करते रहो। मुझे भी आप लोगों से बात करके अच्छा लगता है। मैं कल बैठे बैठे सोच रहा था कि मैं कौन से टॉपिक के ऊपर कमेंट्री करूं, तो बहुत सारे जन मुझे कॉपीराइट क्लेम अवॉइड कैसे करें इस बारे में पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा इसके ऊपर मैं वीडियो बनाई जाए। कॉपीराइट क्लेम बहुत दिमाग खाते हैं और इससे बचने के लिए थोड़ी चालाकी की ज़रूरत पड़ती है, या इनफैक्ट तुम्हें स्मार्ट वर्क करना पड़ता है। बेसिकली आपको थोड़ा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। आपको अच्छी तरह से समझने के लिए मैं अपनी पिछली 3 वीडियोस के एग्जाम्पल को एज ए रेफरेंस के तौर पे बताना चाहूँगा। कॉपीराइट 2 चीज़ों के ऊपर आती है, एक तो ऑडियो या तो विजुअल कंटेंट पे आती है। ऑडियो को अवॉइड करने के लिए मैं सिंपली यही बताना चाहूँगा कि आप NCS वाले ट्रैक यूज़ करो, क्योंकि NCS वाले ट्रैक्स सिंपल सोर्स है जिससे आप अपने ऑडियोज़ को वीडियो में डाल सकते हो या फिर किसी यूज़ कर सकते हो। इन शॉर्ट बस शर्त है ये है कि आपको उस गाने का नाम, म्यूज़िक लिंक और क्रेडिट आर्टिस्ट को मेंशन करना पड़ेगा इन डिस्क्रिप्शन में। आप चाहे तो जो ओरिजिनल गाना है उसको रिमिक्स या कवर गाने से ले सकते हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में क्लेम नहीं आना चाहिए। लेकिन मैं रेकमेंड करूँगा कि आप NCS से ही लो, क्योंकि मैंने तो एक वीडियो में डाला है और उसके ऊपर भी क्लेम आ गया है, जो कि वह उस पर क्लियर कट लिखा हुआ था कि नो कॉपीराइट है और वो रिमिक्स वाला था। जो आपने ककाशी वर्सेस ओबिटो वाली वीडियो देखी है उस पर हुआ था, मुझे क्लेम आया था और बैंड बज गई थी इनफैक्ट। सो मैं यही रेकमेंड करना चाहूँगा कि NCS वाले सॉन्ग यूज़ करो। मैं मानता हूँ ज़्यादातर उसमें वोकल्स नहीं रहते या फिर कोई आर्टिस्ट का सॉन्ग गाने वाले कम है, लेकिन ये एक अच्छा सोर्स है। तो अभी आते हैं विजुअल कंटेंट पे। एनिमे एपिसोड आप किसी भी तरह से ले लो या कौन से भी सोर्स से ले लो, लेकिन आपको क्लेम आने का ही है, क्योंकि और HD क्वालिटीज़ पे तो हमेशा क्लेम आता ही है। HD एनिमेज रहते हैं, जो क्योंकि एनिमेज रहते हैं वो जापान से आते हैं, आप सबको पता ही रहेगा। तो जापान की जो कंपनीज रहती है जैसे फनीमेशन, टोई एनिमेशन, टोहो एनिमेशन, ये फेयर यूज़ के अगेन बिल्कुल एग्री नहीं करते। उन्हें देखा तो फट से तुम्हारी है ना वीडियोस पे क्लेम डाल देंगे। एक तरीका ये है कि आप अपने वीडियोस पे मास्किंग डाल सकते हैं, जैसे मैंने ककाशी वर्सेस ओबिटो वाले वीडियो में डाला, या आप अपने मिरर इफेक्ट कर सकते हैं, या फिर मेरा मतलब है जो पूरा आपको वीडियो रिवर्स में करना पड़ेगा, इससे मैच नहीं होती है वीडियोस से। और थोड़ा एक्सपोजर दे दो या फिर थोड़ा कॉन्ट्रास्ट डाल दो, ऐसा कुछ करो कि मतलब जो एक्चुअल वीडियो है वो रॉ वीडियो से कंपेयर मतलब थोड़ी अलग दिखे। कलर कॉन्ट्रास्ट 32 बिट पे कर सकते हो, मोस्ट ऑफ़ दी 8 बिट्स पे होती है। जो भी मतलब विजुअली वो अलग चीज़ ज़रा लगनी चाहिए, लेकिन थोड़ा दिखने लायक भी। ज़्यादा एक्सपोजर भी होता है तो वो फिर दिखती नहीं है। और योर नेम में तो पता ही है, लास्ट के सेगमेंट में मैंने वो TV सिमुलेटर इफेक्ट और पता नहीं क्या क्या मास्किंग करके वो कॉपीराइट हट गया, इसलिए प्रॉब्लम होती है। और गलती से भी ओवरले बिल्कुल मत डालना, क्योंकि ओवरले से
कुछ मतलब विजुअल के इसमें कुछ इफेक्ट नहीं होता, क्लेम आ ही जाता है क्योंकि मैंने अपनी योर नेम के वीडियो पे रेनबो इफेक्ट डाला है, तो रेनबो इफेक्ट का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो लकीली मैंने क्लिप्स रैंडमाइज करके रख दी थी, इसलिए मैं आधे थोड़े क्लेम से बच गया, वरना पूरी वीडियो पे ही क्लेम लग जाता। कुछ जन बोलोगे कि ओवरले से क्यों फ़र्क नहीं पड़ता है, इसकी वजह से, ये जो प्रोसेसिंग बार दिख रही है वो वाली से। YouTube के पास सर्वर्स होते हैं, मतलब एक बड़े पूरे 2 एकड़ के ऐसे पूरे सर्वर्स रहते हैं, जिससे वो तुम्हारी वीडियो का ओरिजिनल एनिमे से कंपेयर करके देखते हैं। बेसिक जो जापान की जो एनिमेशन कंपनीज है वो अपने सारे वीडियोस रहती है वो YouTube को दे देती है, और YouTube वो अपने सर्वर में स्टोर करके रखता है, और फिर सर्वर से जब भी कोई वीडियो अपलोड होती है या जो प्रोसेसिंग सेक्शन आता है तो वो उससे कंपेयर करके देख लेती है। YouTube हर वीडियो को इंडिविजुअली चेक नहीं करता, मतलब कोई आदमी ऐसा बैठा हुआ नहीं रहता है जो इसको चेक कर सके। ऐसा कर गए तो पूरे पता नहीं कितने जन्म लग जाएंगे, इसलिए उनके पास ये एक ऑटोमेटेड सिस्टम होती है। लेकिन मुझे हंसी इस बात पे भी आती है क्योंकि बजाय ऑटोमेटेड सिस्टम होने के बावजूद भी कुछ जन रहते हैं वो कुछ ना कुछ जुगाड़ करके इस सिस्टम को है ना, मतलब चैलेंज करके टैकल करके आगे निकल जाते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है जो मैं लेना नहीं चाहता, आप तो समझदार हो, यूट्यूब पे रोज़ देखते ही हो। मेरे से एक और पॉइंट छूट गया, और आप जिस हिसाब से मतलब एनिमेस कहीं से भी लेते हो ज़रूर चेक करना कि आपके पास ऐसा वाटरमार्क ना देख लिया गया हो, क्योंकि जो वाटरमार्क वगैरह रहता है वो वाली पूरी वीडियो को मतलब इसे कुछ ये नहीं, परफॉर्मेंस पे या फिर यूट्यूब पे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ऑडियंस जज करती है इससे। कोशिश कीजिए जितना हो सके 10 सेकेंड्स की क्लिप यूज़ करो और उसको रैंडमाइजली मतलब शफल कर दो, इन शॉर्ट। इससे वो मतलब सिस्टम मैच नहीं कर पाता और आपकी वीडियो अपलोड, और इससे क्लेम का भी पंगा नहीं होता। अभी तक मैंने ये जितने भी तरीके अपनाए हैं चल गए हैं, तो होप आपको इस वीडियो से हेल्प होगी। मैं आगे से ऐसे ही थोड़े AMVs और कमेंट्री डालता रहूँगा, इससे अच्छा मतलब आपसे थोड़े इंटरेक्ट होते रहेंगे। मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो आपको अगर प्राइवेटली बात करनी है तो। तो अगले वीडियो में मिलेंगे, सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब स्नूजी ट्यूब। चाओ।